वेलकम फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक कंसेप्ट है जीएसटी का, और जीएसटी आया तो आया क्यों, क्या जरूरत थी जीएसटी को लेके आने की, और क्यों जीएसटी के पहले इतने सारे टैक्स हुआ करते थे, हर बीते हुए जो टैक्स जिनकी बात हम कर रहे हैं उनका पर्पस क्या था, और उस पर्पस के साथ साथ उसको वसूलता कौन था, तो रेवेन्यू किसके पास आता था, ये बात भी हमें समझ में आई। अब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस एक्साइज ड्यूटी की, सर्विस टैक्स की, वैट की, सीएसटी की, सबके अंदर रजिस्ट्रेशन, सबके अलग रिक्वायरमेंट, सबके अपने पर्टिकुलर रिटर्न्स, कंसेप्ट दिमाग में कितना कुछ डाले, और स्पेशली जब हम चाहते हैं कि बिजनेस फैसिलिटेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो, ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे अगर हम इतना कठिन टैक्सेशन सिस्टम रखेंगे तो कैसे चलेगा। कमिटीज बनी, कमिटीज़ के बाद में फाइनली हमारे पास में एक आउटकम आया। देखिए, हमारे पास में आउटकम आया जिसका नाम जीएसटी तो है, वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट लेके आया। वन नेशन वन टैक्स यानी पूरे देश के अंदर अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम नहीं, सिर्फ एक टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, वो क्या कि जीएसटी काउंसिल तो बनाई आपने, जीएसटी काउंसिल के अंदर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी बिठाया, सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर को भी बिठाया। अब बात इतनी सी है कि उस जीएसटी काउंसिल के अंदर एक और मुद्दा उठा, वो ये कि स्टेट को बेनिफिट कैसे मिलेगा, और हर स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग है। तो अब वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट हिल गया। अब हमारे पास में जीएसटी के अंदर पोर्शंस हुए, और जीएसटी के पोर्शंस के हमारे पास में आया क्या, सेंट्रल सेल्स टैक्स या सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी के अलावा हमारे पास में क्या है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल सीजीएसटी, स्टेट्स जीएसटी, है ना, जो पर्टिकुलर सेंट्रल है स्टेट, स्टेट लेगा इंडिविजुअली। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके लिए भी यूटी जीएसटी का कंसेप्ट आया। लेकिन ये सब तो तब जब एक ही स्टेट में खरीदो और एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, एक यूनियन टेरिटरी में खरीदो और एक यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, जो पहले कंसेप्ट था सीएसटी का, उसकी जगह अब आ गया हमारे पास में आईजीएसटी का कंसेप्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी केंद्रीय शासित प्रदेश के लिए, और इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम आया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गुड्स की, सर्विसेज की सेल्स के लिए। देखिए, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा और फोकस करूँगा। यहाँ पे दो वर्ड हैं, जीएसटी, इनफैक्ट तीन वर्ड्स हैं। टैक्स तो हमें पता है, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेस। जब ये डिसीजन हो गया कि अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग जगह के पर्टिकुलर जो भी उनके रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, उसके हिसाब से जीएसटी का कंप्लायंस होगा। ये कंसेप्ट जो आया जीएसटी का, वो कौन सी तारीख को आया है ना, कॉमनली आज क्वेश्चन, इट गेट्स इफेक्टेड फ्रॉम 1st of July 2017। इमीडिएट इफेक्ट से जीएसटी जो है वो अप्लाई कंप्लाइड होने के लिए लग गया, कब, 1 जुलाई 2017 से। लेकिन ये जो कानून बने सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये बन गए थे साहब 12 अप्रैल 2017 में। कुछ डेट्स याद रखने के लिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आ जाए, तो सिंपल बात ये है, 12 अप्रैल 2017 को हमारे पास में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी कानून आ गया। सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट। स्टेट अपने अपने स्टेट के हिसाब से उन्होंने लेके आए एसजीएसटी, जैसे राजस्थान का एसजीएसटी अलग है, महाराष्ट्र का एसजीएसटी एक्ट अलग है, है ना। हर एक एक्ट जो है स्टेट वाला, वो सेपरेट सेपरेट स्टेट अपने हिसाब से लेके आए। लेकिन एक बात कॉमन रहेगी कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की रेटें सेम रहेगी किसी भी गुड्स के लिए। अब पॉइंट ये हुआ कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये कब लगाएंगे, ये हमेशा साथ में लगते हैं, याद रखिएगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रेट है और वो पर्टिकुलर रेट इंपैक्ट गुड्स के ऊपर, सर्विस के ऊपर एक साथ लगेगी विद इन स्टेट के लिए। एक ही स्टेट के अंदर अगर क्या हो रही है, बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट,
सप्लाई हो रही है। यहां पे मैंने एक वर्ड को छोड़ दिया मैन्युफैक्चरिंग को, मैंने दूसरे वर्ड को छोड़ दिया प्रोडक्शन को, तीसरे वर्ड को छोड़ दिया प्रोविजन ऑफ सर्विस को, चौथे वर्ड को छोड़ दिया सेल्स ऑफ गुड्स को, एक ही वर्ड को पकड़ना है सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई हो रही है विद इन स्टेट, तो हमारे पास में क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कॉम्बो, एक ही चीज के ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी साथ में। अगर यूनियन टेरिटरी वाला एरिया हो गया तो यहां पे क्या लगेगा हमारे पास में, सीजीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी का जीएसटी, ठीक है साहब, ये साथ में लगेंगे अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर खरीदा और बेचा जा रहा है, मतलब उसी के अंदर ही सप्लाई की जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं वन स्टेट टू अनादर, तो यहां पे क्या हो रहा है, या वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट टू अदर स्टेट, या अदर यूनियन टेरिटरी टू वन स्टेट, वट एवर द कंसेप्ट इज, तो यहां पे क्या लगेगा आईजीएसटी। आई से आप इंटीग्रेटेड वर्ड की जगह साथ के साथ इंडिपेंडेंट भी याद रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, अपने आप में एक ही एक्ट, एक ही टैक्स आईजीएसटी, वो अप्लाई हो जाएगा कब, जब एक स्टेट से अदर स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही हो। लेकिन अगर विद इन स्टेट हो रही है, जयपुर से चित्तौड़ वाली बात किसी गुड्स की या कुछ और, जी आप मान लेते हो उदयपुर से है जयपुर के अंदर, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी साथ में लगेंगे गुड्स की सप्लाई पे या सर्विस की सप्लाई पे। गुड्स एंड सर्विस, आज की क्लास में एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय गुड्स, व्हाट डज इट मीन बाय सर्विसेज। गुड्स की बात इतनी सी है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, ये जो डेफिनेशन वाला एस्पेक्ट है ना, चाहे वो गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन हो, सप्लाई की डेफिनेशन हो, एक ही कानून में बता रखी है। उस कानून का नाम क्या है, सीजीएसटी एक्ट 2017, उसके अंदर बता रखा है क्या डेफिनेशन पोर्शन, और हमारे को क्या बताया इसके अंदर कि गुड्स माने क्या, गुड्स मीन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, कुछ भी मूवेबल जिसको मूव किया जा सके, चलायमान संपत्ति, चलायमान संपत्ति जिसको मूव किया जा सके, वो सब गुड्स हैं। लेकिन दो चीजों को छोड़ करके, किसको छोड़ करके साहब, एक तो मनी को और दूसरा सिक्योरिटीज को, प्रेफरेंशियस, डिबेंचर्स, इस तरह की कोई भी चीज आ जाएगी तो वो क्या नहीं है, वो गुड्स ही नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी का कंसेप्ट उत्पन्न ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज करे, या उसके अंदर और कुछ फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे, तो जाकर के जीएसटी का कंसेप्ट बन सकता है। लेकिन सिक्योरिटीज अपने आप में कोई गुड्स नहीं माना गया है। मनी के अंदर भी ऐसा ही है कि मैं मनी को कन्वर्ट कराऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में मान लेते हैं एक डॉलर पड़ा हुआ है और उस डॉलर को मैंने कन्वर्ट कराया, किसके अंदर कन्वर्ट कराया, रुपीस के अंदर कन्वर्ट कराया। अब पॉइंट इज दैट कि कन्वर्जन ऑफ मनी अगर किया जा रहा है तो वो सर्विस के अंदर कवर्ड है, किंतु ये भी बात याद रखिएगा कि सेम डिनोमिनेशन के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करा रहा हूँ तो उसको सर्विस के अंदर नहीं माना गया, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो। 100 रुपये का नोट दिया, 10-10 रुपये के 10 नोट ले लिए, अब इन दैट पर्टिकुलर केस खुले करवा दिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इसको सर्विस नहीं माना गया, सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है। तो गुड्स की डेफिनेशन क्या समझे हम, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सर्विसेज की डेफिनेशन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस एक चीज उन्होंने कही, क्या चीज कही उन्होंने, इन्होंने सर्विसेज की डेफिनेशन में कहा एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। अब ये बहुत बड़ा मतलब डिलेमा क्रिएट कर सकता है, क्यों, क्योंकि गुड्स मतलब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है, सर्विस मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है मतलब गुड्स नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को फिर तो मैं सर्विसेज में ले लू, नहीं, यहां पर क्लैरिफिकेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तुम रेंट करते हो, उसको सेल करने के लिए दलाली लेते हो और कुछ करते हो तो बात अलग है, बाकी इसको सर्विसेज के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विस, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट कंप्राइज एनी सर्विस, है ना, इट इज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म सर्विस। अब एक पुराना कंसेप्ट की क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स, लॉटरी वगैरह के टिकट, क्या उसको गुड्स में कवर्ड करेंगे, हाँ जी उसको गुड्स में कवर्ड कर रखा है। एक्शनेबल क्लेम्स जैसे लॉटरी टिकट्स हो गया, बीमा दावे हो गए, इन सबको गुड्स के अंदर कवर्ड कर रखा है, ठीक है। तो
तो हमारे पास में क्या कंसेप्ट आज समझ में आया है, गुड्स का, सर्विसेज का, जीएसटी कब अप्लाई हुआ, कब इफेक्टिव हुआ, वो भी तारीख हमें पता चली आज, और साथ के साथ हमें पता चल गया कि कौन कौन से कानून हैं जो गवर्न करेंगे हमारी इस कंसेप्ट को, जीएसटी को। जीएसटी वो कंसेप्ट जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कॉम्बो पैक में चलता है, साथ में चलता है। एक चीज हमें समझ में आ गई कि जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में चलते हैं। यूटीजीएसटी अगर केंद्र शासित प्रदेश का तो वो भी सीजीएसटी के साथ में लगेगा। आईजीएसटी ऐसा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रेडिट कैसे अवेल करेंगे वो समझेंगे, और साथ के साथ ये समझेंगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स हैं वो किन के पास कैसे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।